हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में हम सीखते हैं किस तरीके से आप यहां पे ऑटोमेटिक सीरियल नंबर जनरेट करेंगे। यहां पे पहले कॉलम में सीरियल नंबर है और दूसरे कॉलम में नेम है। हम यहां पे नेम टाइप करेंगे और नेम टाइप करने के बाद आप यहां पे देखेंगे फर्स्ट ऑटोमेटिक आएगा। ये किस तरीके से आएगा सीरियल नंबर, चलिए इस वीडियो में सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पहले वाले सेल में क्लिक करना है और यहाँ पे टाइप करना है आपको इक्वल। इक्वल का साइन प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे आई एफ इफ लगाना है, देन ब्रैकेट स्टार्ट करना है और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सेल को सेलेक्ट करना है। राइट, सेल सेलेक्ट करने के बाद सामने वाले सेल को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप इक्वल टाइप करेंगे। इक्वल टाइप करने के बाद यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा देना है आपको। डबल कोटेशन मार्क देने के बाद यहाँ पे आपको कामा करना है, देन वापिस से यहाँ पे ट्रू पार्ट देना है। डबल इन्वर्टेड कामा दो बार टाइप करना है और टू बार टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको कामा करना है और कामा टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है रो, और रो टाइप करने के बाद यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट करना है और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे वन और उसके बाद सेमी कॉलन यहाँ पे सॉरी कॉलन यहाँ पे टाइप करना है और देन वन टाइप करना है और ब्रैकेट क्लोज करना है। और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आगे की तरफ ड्रैग कर देना है, और ड्रैग करने के बाद यहाँ पे आप नेम में जाएंगे। अब यहाँ पे आप नेम टाइप करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे नंबर जनरेट हो रहा है। राइट, जैसे ही यहाँ पे नाम आप लिखते जाएंगे ऑटोमेटिक सीरियल नंबर जनरेट होता जाएगा। अगर आपने यहाँ पे डिलीट भी किया तो सीरियल नंबर ऑटोमेटिक डिलीट भी हो जाएगा। राइट, तो मैंने यहाँ पे ये फार्मूला लगाया है, आप इस फार्मूले की मदद से ये काम कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट।